Tap the bell to get notified about all new videos from Nisharch Studios. दोस्तों, अब्राहम ओर्टेलियस कौन है, क्यों उनको ये सम्मान दिया गया, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब्राहम ओर्टेलियस एक फ्लेमिश कार्टोग्राफर और भूगोलकार थे। कई लोग इस व्यवसाय में शामिल है। वे नक्शे बनाने के लिए कई लंबी यात्राएं करते थे। आज से लगभग 400 साल पहले दुनिया का आधुनिक मानचित्र बनाया गया। उनके पहले नक्शे में मिस्र, एशिया, स्पेन और रोमन साम्राज्य के नक्शे थे। 1587 में अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में खोजों से प्रभावित उन्होंने अमेरिका या नई दुनिया एक नया वर्णन नामक एक नक्शा प्रकाशित किया। 1598 में ओर्टेलियस की मौत से पहले दुनिया के मानचित्र के 25 संस्करण सामने आए और बाद में कई अन्य प्रकाशित हुए, क्योंकि मानचित्रों की मांग 1612 तक बनी रही। एटलस के पहले संस्करण में 53 मैप्स 16वीं शताब्दी में अधिक महत्वपूर्ण थे, जब विश्व मानचित्रों ने खोजों को दिखाने में मदद की, साथ ही दुनिया के अनुमानित आकार को संचारित करने में मदद की। 167 मानचित्रों के साथ एटलस का अंतिम संस्करण 1622 में प्रकाशित हुआ। ओर्टेलियस अमेरिका और यूरोप अफ्रीका के तटों के बीच ज्योमेट्री समानता को रेखांकित करने वाला पहला व्यक्ति था और एक स्पष्टीकरण के रूप में महाद्वीपीय बहाव का प्रस्ताव देने वाला था। अब्राहम ओर्टेलियस ने दुनिया का मानचित्र बनाते समय बहुत ही अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, अमेरिका पहले यूरोप और अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, जो बाद में भूकंप और बाढ़ के कारण टूटकर अलग हो गया। अब्राहम ओर्टेलियस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दुनिया का पहला आधुनिक मानचित्र बनाया।